Hello children, in this video we will do some built-in functions of dictionary. Now first we have from keys function. The from keys method is used to create a dictionary from a sequence containing all the keys and a common value which will be assigned to all the keys. What does it mean? इसका क्या मीनिंग है? From keys function का हम यूज करते हैं डिक्शनरी क्रिएट करने में, राइट? और डिक्शनरी आप कैसे क्रिएट करते हो? आप कोई भी एक पर्टिकुलर सिक्वेंस का यूज करके डिक्शनरी क्रिएट करते हो. सिक्वेंस लिस्ट सिक्वेंस हो सकता है, आपका टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, राइट? ओके, तो जो भी आप सिक्वेंस ले रहे हो वो क्या बन जाता है? डिक्शनरी की बन जाता है, वो की सिक्वेंस बन जाता है. ओके, एंड आप एक कॉमन वैल्यू लेते हो, मींस कीज आपकी डिफरेंट होंगी सिक्वेंस में. ओके, और वैल्यू आपकी कॉमन होगी, राइट? जैसे लेट अस सपोज टेक वन एग्जांपल, आपने एक लिस्ट ली, ठीक है, उसमें आपने वैल्यू ली 1, 2, ओके, एंड 3, राइट? तो यहाँ पे ये क्या है, 1, 2, 3 आपका क्या बन जाएगा? सिक्वेंस बन जाएगी, की सिक्वेंस. ओके, और वैल्यू आपने कुछ भी ले लिया, आपने वैल्यू ले लिए इनके साथ, आपने ले लिए लेट अस सपोज आपने ले लिए वैल्यू 20, फाइन. ओके, आपने 20 ले लिए, तो आपका कैसे पेयर बनेगा? आपका ऐसे पेयर बनेगा, 1 1 देन कॉलन 20, राइट? देन आपका बनेगा 2 कॉलन 20. ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी सीक्वेंस थी वो तो क्या बन जाएगी? की सीक्वेंस, फाइन. जो आपकी लिस्ट थी वो तो आपकी बन जाएगी की सीक्वेंस, और वैल्यू सबके साथ कॉमन रहेगी. ऐसे ही आपका आ जाएगा 3, ओके, 3 एंड कॉलन 20, फाइन. लाइक दिस यू विल क्रिएट इट. ओके, फाइन. इसका सिंटेक्स क्या है? डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, फाइन. सीक्वेंस इसका है डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज. ओके, डिक्ट यहाँ पे क्या है? डिक्शनरी का नेम. फ्रॉम कीज हमारा फंक्शन है. ओके, और इस फंक्शन में हम क्या पास करेंगे? इस फंक्शन में हम पास करेंगे सीक्वेंस एंड अ पर्टिकुलर कॉमन वैल्यू. ओके, फाइन. डिक्ट हमारा क्या है? डिक्शनरी का नेम. फ्रॉम कीज आपका फंक्शन है, इसके अंदर आप कोई भी सिक्वेंस पास कर सकते हो, लिस्ट पास कर सकते हो, स्ट्रिंग पास कर सकते हो, आप टपल पास कर सकते हो, एंड द वैल्यू. ओके, सो हियर आई हैव रिटन की सिक्वेंस इज अ पाइथन सिक्वेंस कंटेनिंग द कीज फॉर द न्यू डिक्शनरी. वैल्यू इज द कॉमन वैल्यू डेट विल बी असाइंड टू ऑल द कीज, राइट? इफ स्किप्ड, वैल्यू नन इज असाइन टू ऑल द वैल्यूज. वॉट डज इट मीन? ये क्या कह रहा है कि अगर आप वैल्यू को नहीं देते हो, वैल्यू वाला पार्ट स्किप कर देते हो, सिर्फ की सिक्वेंस देते हो, तो क्या होगा? जितने भी आपकी कीज है उनके साथ कौन सी वैल्यू अटैच हो जाएगी? नन, फाइन. और ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स अ न्यू डिक्शनरी, फाइन. जब आप इस फंक्शन का यूज करते हो तो क्या आपका क्रिएट होता है? एक न्यू डिक्शनरी होती है, क्रिएटेड विद द गिवन कीज. ओके, तो जो भी सीक्वेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कीज में आपका कन्वर्ट हो जाती है, राइट? ओके, एंड द कॉमन वैल्यू. आपके पास एक न्यू डिक्शनरी आ जाएगी जिसके अंदर कीज होगी. ओके, एंड एक पर्टिकुलर वैल्यू जो जितनी भी कीज है उसके साथ अटैच हो जाएगी, एक कॉमन वैल्यू. ओके, फाइन. ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल हियर. हमने क्या किया, एक लिस्ट ले ली, ओके, एंड वो किस वेरिएबल में हमने डाल दी? कीज वेरिएबल में. हमने यहाँ पे एक लिस्ट ली है, मुंबई, बेंगलोर, शिकागो, न्यूयॉर्क, राइट? ये हमारी क्या है? लिस्ट है. ओके, हमने कॉमन वैल्यू ले लिए, क्या है? दैट इज सिटी. कॉमन वैल्यू इज द सिटी. ओके, सिंपली अब आपको क्या करना है? डिक्शनरी क्या एक वेरिएबल है? ओके, एक एम्प्टी वेरिएबल है जिसके अंदर क्या होगा, जो भी आप यहाँ पे जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो जाके डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगा. ओके, तो डिक्ट, डिक्ट आपका क्या है? आपका डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, फाइन. अब यहाँ पे देखो, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज फंक्शन में आप क्या यूज कर रहे हो? यहाँ पे आपने कीज पास की, कीज क्या है? एक सीक्वेंस है, और यहाँ पे लिस्ट फॉर्म में ये सीक्वेंस है. ओके, एंड वैल्यू, वैल्यू इज द सिटी, राइट? अब जो भी इसका आएगा रिटर्न होगा वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा? डिक्शनरी वेरिएबल में स्टोर होगा. अंडरस्टूड? यहाँ पे आपने क्या पास किया? लिस्ट को पास किया जो हमने ऑलरेडी ले रखी है कीज वेरिएबल में जो स्टोर है, और हमने वैल्यू को पास किया जो हमारी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर है,
राइट और इस जो इस पर्टिकुलर फंक्शन को आप का जो रिटर्न आएगा, एक न्यू डिक्शनरी आएगी, वो कहाँ पे स्टोर होगी? डिक्शनरी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। फाइन, अब आपने क्या किया, सिंपली डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब आपने इसको प्रिंट कराया है तो आपका क्या है, मुंबई सिटी, बेंगलोर सिटी। फाइन, जो ये आपकी लिस्ट थी, ओके, लिस्ट थी वो क्या बन गई है, उसके जितने भी वैल्यूज थे लिस्ट के अंदर, जितने भी आइटम्स थे वो आपकी कीज बन चुके हैं। फाइन, देखो यहाँ पे शिकागो, न्यूयॉर्क, ये क्या है, कीज बन गए हैं, डिक्शनरी के कीज बन गए हैं। और जो वैल्यू थी वो सबके साथ अटैच हो गई है, बिकॉज वी हैव अ कॉमन वैल्यू। देखो, सबके साथ सिटी आपका अटैच हो गया, बिकॉज वी हैव अ कॉमन वैल्यू। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ वी ओनली स्पेसिफाई द की सिक्वेंस एंड डू नॉट गिव द वैल्यू, अगर हम क्या करते हैं, ओनली की सिक्वेंस को पास करते हैं डिक्ट डॉट फ्रॉम की फंक्शन में और वैल्यू को पास नहीं करते हैं, तो क्या होगा, इट विल टेक नन एज द वैल्यू फॉर द कीज। तो क्या होगा, जितनी भी कीज हैं उनके साथ कौन सी वैल्यू अटैच हो जाएगी, उनके साथ नन वैल्यू अटैच हो जाएगी। राइट, तो सिंपली यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली है, सेम मुंबई, बेंगलोर, शिकागो, न्यूयॉर्क, ओके, उसको हमने जो किसमें स्टोर है, कीज वेरिएबल में स्टोर है। राइट, अब हमने डिक्शनरी एक वेरिएबल लिया है जो किसका रिटर्न स्टोर करेगी, डिक्ट डॉट फ्रॉम की फंक्शन का। फाइन, डिक डॉट फ्रॉम की फंक्शन में हमने कीज को पास कर दिया, मतलब ये हमने लिस्ट को पास कर दिया। अब क्या है, हमारे पास कीज तो आ जाएंगी, राइट, बट वी डोंट, वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द वैल्यूज, हमने वैल्यू वेरिएबल को स्पेसिफाई नहीं किया है। ओके, तो क्या होगा, जितनी भी कीज है उनके साथ क्या अटैच हो जाएगा, नन अटैच हो जाएगा। अब आप प्रिंट करोगे, प्रिंट डिक्शनरी, नाउ यू कैन सी द आउटपुट, मुंबई, बेंगलोर, राइट, एंड आपका शिकागो एंड न्यूयॉर्क, ओके, इन सब के साथ क्या अटैच हो गया, नन। फाइन, सी, ओके, सो व्हेन यू विल पास द कीज ओनली, जब आप सिर्फ कीज पास करोगे तो जितनी भी कीज हैं, ओके, उनके साथ क्या अटैच हो जाएगा, नन वैल्यू अटैच हो जाएगी। राइट, Here we are taking one more example. The keys parameter can be any iterable type such as string, list or टपल। अब ये क्या कह रहा है कि जो आप कीज लेते हो, राइट, उसमें जो सीक्वेंस लेते हो वो क्या होनी चाहिए, एट्रेबल टाइप होनी चाहिए। एट्रेबल टाइप मींस जिसको हम वन बाय वन एक्सेस कर सके, जिसके आइटम्स को हम वन बाय वन एक्सेस कर सके। राइट, जैसे आपके स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में भी आप क्या करते हो, लूप लगा के उसके कैरेक्टर्स को वन बाय वन एक्सेस करते हो, लिस्ट के अंदर आप उसकी वैल्यूज को वन बाय वन एक्सेस करते हो, टपल में भी आप वन बाय वन एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लूपिंग। राइट, तो आपको कीज में वही सिक्वेंस यूज करना है जो आइटरेबल है। फाइन, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने डिक डॉट फ्रॉम कीज फंक्शन में क्या पास किया, स्ट्रिंग वैल्यू को पास किया, ओके, स्ट्रिंग सीक्वेंस को पास किया, ये आपकी स्ट्रिंग सीक्वेंस है और वैल्यू क्या है, कैर। फाइन, अब आपने क्या किया उसको, और वो इसका जो रिजल्ट है वो कहाँ जाके स्टोर होगा, सी एच डिक्ट वेरिएबल में। आपने इसको प्रिंट करा दिया सी एच डिक्ट वेरिएबल को, नाउ यू कैन सी आपका करेक्टर पी के साथ कैर आपका ज्वाइन हो गया है, बिकॉज यहाँ पे देखो पाइथन क्या है, ये स्ट्रिंग सिक्वेंस है। राइट, ये आपका स्ट्रिंग सीक्वेंस है, तो जिसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो क्या बन जाएंगे, कीज बन जाएंगे। ओके, एंड उनके साथ कॉमन वैल्यू अटैच हो जाएगी, डेट इज कैर, वाई कैर, ठीक है, टी कैर। ओके, तो इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो क्या बन गए, कीज, और उनके साथ अटैच हो गया है कैर। फाइन, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, नम की हमने एक वेरिएबल लिया, ओके, और उसमें हमने क्या दे दिया, एक हम टपल, दिस इज द टपल। टपल आप जानते हो क्या होता है, टपल यू एनक्लोज द वैल्यूज इन सर्कुलर ब्रैकेट, ओके, एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय द कोमा। फाइन, तो ये हमारी क्या है, टपल है, टपल की क्या आप कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको हम सर्कुलर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं, राइट, रखते हैं, और जितनी भी वैल्यूज होती है वो एक दूसरे से कोमा की हेल्प से सेपरेट होती है। फाइन, तो हमने यहाँ पे एक टपल ले लिया है, ओके, फाइन, और हमने वैल्यू ले ली नंबर्स, ठीक है, सीक्वेंस हमारी क्या है, टपल, और वैल्यू हमारा है नंबर्स। फाइन, अब हमने डिक्ट डॉट फ्रॉम की फंक्शन के अंदर पास कर दिया टपल एंड आपकी वैल्यूज, राइट, ओके, ये आपने नम की को पास कर दिया, टपल को पास कर दिया, और जो आपकी कॉमन वैल्यू है नंबर्स उसको पास कर दिया। फाइन, अब आपने प्रिंट करा दिया नम डिक्ट,
ओके, इसका रिजल्ट नमडिक में जाके स्टोर होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो टपल है, टपल के आइटम्स हैं वो बन गए हैं आपके कीज। ओके, टपल के आइटम्स आपके कीज बन गए हैं, एंड नंबर्स आपकी की जो कॉमन वैल्यू है वो टपल्स के आइटम्स के साथ अटैच हो गई है। देखो, 1 कॉलन नंबर्स, 2 कॉलन नंबर्स, 3 कॉलन नंबर्स, लाइक दिस। ओके, सो टपल जो है वो क्या बन गया, कीज बन गया है, जो और वैल्यू जो कॉमन वैल्यू ली है वो आपके टपल के एलिमेंट्स के साथ अटैच हो गई है। फाइन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अट्रेबल सीक्वेंस की हेल्प से डिक्शनरी को क्रिएट किया है। नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल। ZX कंपनी हैज डिसाइडेड टू गिव बोनस अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज टू सम सिलेक्टेड एम्प्लॉइज। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट इनपुट द सिलेक्टेड एम्प्लॉय आईडी एंड क्रिएट अ डिक्शनरी फॉर द सेम। इसका क्या मीनिंग है, एक कंपनी है जिसने डिसाइड किया है 5,000 रुपीज का बोनस देने के लिए कुछ एम्प्लॉयज को। ओके, तो हमें क्या प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, उन एम्प्लॉयज का आईडी इंसर्ट करेंगे। और एम्प्लॉय के आईडी प्लस बोनस अमाउंट से की हेल्प से हम क्या करेंगे, डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। तो अभी आपने क्या लिया, सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया एल, और उसको आपने क्या शो कर दिया, एम्प्टी लिस्ट। यहाँ पे एल क्या है, हमारी एम्प्टी लिस्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दिस इज एम्प्टी, राइट। एन, अब आपने दूसरा वेरिएबल लिया एन, फाइन, और आपने इसमें क्या करवा दिया, आपने इनपुट की हेल्प से, इनपुट फंक्शन की हेल्प से आपने प्रॉम्प्ट क्रिएट किया, हाउ मेनी एम्प्लॉइज, मतलब कितने एम्प्लॉइज हैं जिनको आपको बोनस अमाउंट देना है, राइट। और इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, आप जब इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे वो एज अ स्ट्रिंग वो लेगा, फाइन। तो हमें उसे किस में कन्वर्ट करना होता है, इंटीजर, फ्लोट, जो भी आप चाहते हो, जिस भी फॉर्म में चाहते हो आप कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन को एनक्लोज किया इन फंक्शन से। तो जो भी वैल्यू आएगी, 3, 4, 5 जो भी आएगी, वो स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं, इन फंक्शन की हेल्प से इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब आप उसको इंसर्ट करोगे, अगर आप सिर्फ इनपुट फंक्शन यूज करोगे तो स्ट्रिंग फॉर्म में होगी, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसे इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने इन फंक्शन यूज किया है, तो वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर होगी, आपके एन वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, फाइन। अब देखो, आपने यहाँ पे क्या किया, फोर लूप चलाया है, 4a इन रेंज n। मतलब मान आपको कितने एम्प्लॉइज, सबसे पहले हमने मान लो 4 एम्प्लॉइज हैं या 3 एम्प्लॉय हैं। तो उतने ही एम्प्लॉय का डेटा हमें लेना है, तो हमने कहाँ क्या लिया है, इसके अंदर रेंज n, फाइन। अब देखो, जब आपने फर्स्ट टाइम लूप चलने के बाद a, जैसे आपने 3 लिया, फाइन, तो ए के अंदर पहले फर्स्ट आएगा, ए विल एक्सेस द डिटेल्स ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय। जो आपका वेरिएबल ए है वो क्या करेगा, फर्स्ट एम्प्लॉय की उस फर्स्ट एम्प्लॉय की जो भी डिटेल्स है उनको एक्सेस करेगा, फाइन। तो यहाँ पे हम जब नीचे जाएंगे तो आप देखोगे आपने क्या किया है? अब यहाँ पे हमने इनपुट कराया है एंटर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का आईडी एंटर कराया है, फाइन। तो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ईएमपी आईडी के अंदर स्टोर होगा, और उसको हमने क्या कर दिया, ईएमपी आईडी जो भी आईडी है वो हमने किसके अंदर अपेंड करा दिया, हमने लिस्ट के अंदर अपेंड करा दिया, लिस्ट डॉट अपेंड एम्प्लॉय आईडी, राइट। तो आप देखो, सबसे पहले आपका क्या प्रिंट हुआ है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज, यहाँ पे देखो हाउ मेनी एम्प्लॉयज, यहाँ पे आपने दे दिया 3, लेटर सपोज, थ्री दे दिया। अब आपका लूप चला, लूप के अंदर सबसे पहले ये आपसे क्या पूछेगा, एंटर एम्प्लॉय आईडी, तो आपने दे दिया 109। 109 दिया तो कहाँ पे जाके अपेंड हो गया, जो एम्प्टी लिस्ट थी उसमें अपेंड हो गया, 109 लिस्ट में चला गया, फाइन। अब एक क्या करेगा, सेकेंड एम्प्लॉय की डिटेल्स को एक्सेस करेगा, तो फिर आपसे फिर पूछेगा एंटर एम्प्लॉय 115, आपने एम्प्लॉय आईडी दे दिया 115, वो जाके लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, मतलब लिस्ट बन जाएगी, पहला एलिमेंट लिस्ट में होगा 109, दूसरा एलिमेंट लिस्ट में होगा 115। फिर ए वेरिएबल है वो क्या एक्सेस करेगा, थर्ड एम्प्लॉय की डिटेल्स को एक्सेस करेगा, क्योंकि ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, क्योंकि हमने क्या किया, एन की वैल्यू क्या दी है, 3 दी है। तो ये हमारा लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, फाइन।
अब देखो नेक्स्ट इसने फिर से पूछा एंटर एम्प्लॉय आईडी, आपने दे दिया 205। 205 लेके फिर से वो क्या करेगा, लिस्ट में उस वैल्यू को अपेंड कर देगा, डाल देगा। अपेंड मतलब उससे अटैच कर देगा, तो आपकी लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर तीन वैल्यू होंगी, 109। ओके, फर्स्ट वैल्यू होगी आपकी 109, फाइन। सेकेंड वैल्यू होगी आपकी 115, ओके। एंड थर्ड वैल्यू आपकी होगी 205। 205 फाइन, थर्ड वैल्यू आपकी होगी 205, ये आपकी लिस्ट बन गई फाइन। अब आपने क्या किया, लिस्ट बन गई है, हमने क्या किया, डिक्ट डॉट फ्रॉम की फंक्शन के अंदर लिस्ट को पास कर दिया और वैल्यू को पास कर दिया। वैल्यू हमारी कॉमन है 5000, हमें बोनस देना है, ओके। हमने 5000 को पास कर दिया फाइन। अब वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, जो भी डिक्शनरी बनेगी वो डिक्शनरी वेरिएबल में स्टोर होगी। तो आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, प्रिंट क्रिएटेड डिक्शनरी, क्रिएटेड डिक्शनरी आपका एज इट इज आ जाएगा एंड प्रिंट डिक्शनरी, ओके। तो डिक्शनरी में आप देखो 109 के साथ अटैच हो गया 5000, ओके। 115 के साथ अटैच हो गया 5000, 205 के साथ 5000 अटैच हो गया फाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने लिस्ट को क्रिएट किया, वन बाय वन एंटर कराई एम्प्लॉय आईडी। तो हमारी हमने क्या किया, तीन एम्प्लॉयज के आईडी की लिस्ट बनाई और उनके साथ एक कॉमन वैल्यू अटैच कर दी 5000, मतलब इस आईडी वाले एम्प्लॉय को 5000 बोनस मिलेगा फाइन, ओके। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज कॉपी फंक्शन। द कॉपी मेथड ऑफ डिक्शनरी क्रिएट्स अ शेलो कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी। अब ये क्या कह रहे हैं, जो कॉपी फंक्शन है, कॉपी मेथड है, वो क्या करता है, वो शेलो कॉपी क्रिएट करता है डिक्शनरी, ओके। अब शेलो कॉपी क्या है, व्हाट इज शेलो कॉपी, अ शेलो कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी रेफर्स टू द कॉपी ऑफ द डिक्शनरी वेयर बाय ओनली अ कॉपी ऑफ द कीज इज क्रिएटेड एंड वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरीज आर नॉट कॉपीड। ये क्या कह रहा है, शेलो कॉपी क्या होती है, ऐसी कॉपी बनती है डिक्शनरी की जिसके अंदर एक डिक्शनरी की कीज दूसरी डिक्शनरी में कॉपी होती है, राइट। यहाँ पे किसकी कॉपी बन रही है, ओनली कीज की कॉपी बन रही है, राइट। वैल्यूज की कॉपी नहीं बनती है, ओके। सिर्फ क्या बनी है, कीज की कॉपी बनी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शेलो कॉपी, वैल्यूज की कॉपी नहीं बनी है फाइन। तो सिंटेक्स इसका क्या है, डिक्ट डॉट कॉपी फंक्शन, डिक्ट इज द डिक्शनरी टू बी कॉपीड। यहाँ पे डिक्ट क्या है, वो डिक्शनरी जिसकी हम कॉपी बना रहे हैं फाइन। और ये रिटर्न क्या करता है, ये एक दूसरी डिक्शनरी रिटर्न करता है जो कि क्या होती है, शेलो कॉपी ऑफ, इस डिक्शनरी की शेलो कॉपी होती है फाइन। रिटर्न्स अ शेलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी, इस डिक्शनरी की शेलो कॉपी क्रिएट करेगा, मतलब ऐसी डिक्शनरी क्रिएट करेगा जो इस डिक्शनरी की कीज को कॉपी करेगी, वैल्यूज को कॉपी नहीं करेगी फाइन। अब यहाँ पे हमने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, हमने एक डिक्शनरी लिया स्टूड वन, वन रोहन, टू राम, यहाँ पे 1 2 3 4 कीज है एंड रोहन राम नेहा एनी उनकी वैल्यूज है फाइन। हमने क्या किया, स्टूड वन डॉट कॉपी, इसकी कॉपी बनाई और कॉपी किस में जाके स्टोर हुई है आपके, स्टूड टू में। स्टूड टू इसका वेरिएबल, एक वेरिएबल है जो इसकी रिजल्ट को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, इसकी कॉपी कहाँ जाके स्टोर हो रही है, स्टूड टू में। अब आपने सिंपली क्या करा दिया, ओरिजिनल डिक्शनरी स्टूड वन एंड कॉपी डिक्शनरी स्टूड टू दोनों को प्रिंट करा दिया, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों क्या है, सेम है, बोथ आर सेम फाइन। अभी एक हमने सिंपल एग्जाम्पल समझा है, अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, When we create a copy of the dictionary using the copy function, a copy of the keys is created with the new name. अब ये क्या कह रहा है कि जब हम कॉपी फंक्शन का यूज करते हैं तो क्या होता है, कीज की कॉपी बनती है जिसका एक नया नाम होता है एंड द सेम वैल्यूज आर रेफरेंस्ड बाय द टू कॉपीज फाइन। अब यहाँ पे क्या है, जब आपने कॉपी फंक्शन का यूज किया है तो क्या हुआ, कीज कॉपी हुई है और उनका नाम अलग हुआ है। यहाँ पे स्टूड वन की जो कीज है उसकी कॉपी बन गई स्टूड टू, ओके। जो वैल्यूज है वो एक ही रहती है, वैल्यूज सेम रहती है और दोनों के दोनों उसको रेफर करते हैं, ओके। वैल्यूज आर रेफरेंस्ड बाय बोथ द कॉपीज, ओके। समझ आया, यहाँ पे स्टूड वन की कीज की कॉपी बनी है स्टूड टू में फाइन, वैल्यूज की कॉपी नहीं बनी है, ओके। स्टूड वन और स्टूड टू जो है उनकी कीज है वो सेम वैल्यूज को रेफर कर रही है, ओके। सेम वैल्यू को रेफरेंस प्रोवाइड कर रही है, राइट, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ कीज की वैल्यू बनी है, वैल्यूज की कीज की कॉपी बनी है, वैल्यूज की कॉपी नहीं बनी है, वैल्यूज विल रिमेन सेम, ओके। एंड बोथ द
कॉपीज विल रेफर टू द सेम वैल्यू, फाइन। अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि कॉपीज फंक्शन का यूज करते हैं तो हमारी कीज की कॉपी बनती है, वैल्यूज की कॉपी नहीं बनती है। और जो कीज है राइट, जो जो कॉपीज है, ओरिजिनल कॉपी एंड द डुप्लीकेट कॉपी, और वो क्या करते हैं, सेम वैल्यूज को रेफर करते हैं, राइट। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है। अब हमको ये देखना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इफ द वैल्यूज आर इम्यूटेबल, राइट। ये क्या कह रहा है, अगर वैल्यूज इम्यूटेबल हैं, इम्यूटेबल मींस दैट कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज नहीं होती है, ओके, देन चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द कॉपीज, ओके। तो जो कॉपीज आप बनाते हो, ओके, उसमें चेंजेस क्या कह रहा है, इफ द वैल्यूज आर इम्यूटेबल चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द कॉपीज, जो चेंजेस करते हो वैल्यूज में वो कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं होते, ओके। एंड इफ द वैल्यूज आर म्यूटेबल, और अगर म्यूटेबल है, ओके, द चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन द कॉपीज, चेंजेस जो आप करते हो वो कॉपीज में रिफ्लेक्ट होता है, फाइन। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा इम्यूटेबल है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप किसी भी कॉपी में चेंज करते हो वो दूसरी कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसने क्या क्या है कहा है, इफ द वैल्यूज आर इम्यूटेबल, अगर वैल्यूज इम्यूटेबल है, वो वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती, तो अगर आप किसी भी कॉपी में चेंज करते हो दूसरी कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब एक कॉपी में चेंज करते हो तो दूसरी कॉपी में वो चेंज नहीं होगा, फाइन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने ले लिया इफ द वैल्यूज ऑफ द कीज आर इम्यूटेबल, इम्यूटेबल जो चेंज नहीं हो सकती, फाइन। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, स्टूड वन हमारी डिक्शनरी वन है, फाइन, एंड स्टूड टू हमने बनाई, स्टूड टू आपने बनाई स्टूड वन से कॉपी करके, ओके। अब वैल्यूज क्या है हमारी, स्ट्रिंग वैल्यूज है, फाइन, विच आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग वैल्यूज क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ओके, यू कैन नॉट चेंज इट, फाइन, ओके। तो यहाँ पे देखो, आपने स्टूड टू में, आपकी स्टूड टू क्या है, स्टूड वन से बन जाएगी, फाइन, स्टूड इसकी कॉपी बन जाएगी, स्टूड वन की कॉपी बन जाएगी। अब आपने क्या किया, स्टूड टू में 5 की को ऐड करके उसमें वैल्यू दे दी अर्जुन, फाइन। अब देखो, जब आप ओरिजिनल डिक्शनरी को प्रिंट कराते हो और कॉपी डिक्शनरी को प्रिंट कराते हो तो क्या है, ओरिजिनल आपकी वही सेम है, 1 रोहन, 2 राम, 3 नेहा, 4 एनी, एंड कॉपी डिक्शनरी क्या है, 1 रोहन, 2 राम, 3 नेहा, 4 एनी एंड 5 अर्जुन। तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी ये कॉपी हुई है, जो आपने सेकेंड डिक्शनरी, जो आपकी कॉपी वाली डिक्शनरी है, उसमें चेंज जो भी किया है वो आपकी रियल डिक्शनरी के अंदर, ओरिजिनल डिक्शनरी के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो चेंज नहीं शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि वैल्यूज क्या है आपकी, इम्यूटेबल है, वो वैल्यूज है, स्ट्रिंग वैल्यूज है, जो कि चेंज नहीं होती है। तो अगर आप किसी कॉपी में भी चेंज करते हो वो दूसरी कॉपी में शो नहीं होगा, फाइन, उसी कॉपी में रहेगा, दूसरी कॉपी में शो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम ले रहे हैं इफ द वैल्यूज रेफरेंस बाय द कीज आर म्यूटेबल, अब हम वो वैल्यूज लेंगे जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जो म्यूटेबल है। तो क्या होगा, जो भी आप एक डिक्शनरी के अंदर चेंज करोगे वो उसकी कॉपी में शो होगा, राइट। अभी हमने लिस्ट को लिया, लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी D1 क्या है, डिक्शनरी है, जिसके अंदर आपकी की 1 है, ओके, उसकी वैल्यू है 1 2 3, देन की 2 है, उसकी वैल्यू है 3 4 5, ओके, D1 की आपने कॉपी बना दी। अब आपने सिंपली इसको प्रिंट करा दिया D1 एंड D2, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों सेम है, D1 एंड D2 बोथ आर सेम, दोनों डिक्शनरी सेम है, दोनों के अंदर कीज है 1 1 2 2, एंड दोनों की 1 की वैल्यू है 1 2 3 एंड 1 2 3, 3 4 5, 3 4 5, फाइन। अब आपने क्या किया, D2, जो D2 डिक्शनरी है उसकी 1, मतलब 1 की के अंदर आपने अपेंड कर दिया 4 को, ओके, फाइन। अब अगेन आप प्रिंट कराओगे D1 एंड D2 को, फाइन, D2 के 1 की पर आपने अपेंड किया है वैल्यू 4 को, ओके, वैल्यू 4 को आपने ज्वाइन किया, अपेंड किया। तो अब आप यहाँ पे देखो, 1 ओरिजिनल डिक्शनरी में भी 4 आ गया है और कॉपी डिक्शनरी में भी 4 आपका आ गया है, फाइन, दोनों में चेंज हुआ है। अब दोनों में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू जो थी वो क्या थी, म्यूटेबल,
ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू इम्यूटेबल है तो आप एक कॉपी के अंदर चेंज करोगे वो दूसरी कॉपी में शो नहीं होगा, दूसरी कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। पर अगर वो म्यूटेबल है, मतलब वैल्यू क्या है, म्यूटेबल, म्यूटेबल जो चेंज हो सकती है, तो अगर आप एक कॉपी के अंदर चेंज करोगे तो वो दूसरी कॉपी के अंदर चेंज होगा, राइट। नाउ वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट, क्रिएटिंग कॉपी यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके भी कॉपी बनाते हैं। व्हेन वी असाइन अ डिक्शनरी नेम टू अनदर नेम यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, इट डज नॉट क्रिएट अ कॉपी इंटरनली, रेदर इट विल जस्ट मेक टू लेबल्स रेफरेंस द सेम डिक्शनरी। अब ये क्या कह रहा है कि जब आप एक डिक्शनरी को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर दूसरी डिक्शनरी में कॉपी करते हो, तो क्या होता है, वो क्या होता है, इंटरनली कॉपी नहीं होती है, वो सिर्फ दो नाम बन जाते हैं जो एक ही डिक्शनरी को क्या कर रहे होते हैं, रेफरेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या है, जैसे एक पर्सन के दो नाम है, फाइन, दोनों एक ही पर्सन को शो कर रहे हैं, तो इन द सेम वे जो जो कॉपीज बनती है जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से कॉपीज बनाते हो, तो दो नाम बन जाते हैं जो सेम डिक्शनरी को रेफर करते हैं, फाइन। दस एनी चेंज इन आइदर ऑफ द नेम विल बी रिफ्लेक्टेड इन द अदर लेबल। तो ये क्या कह रहे हैं, दोनों सिर्फ नाम है, तो आप किसी भी डिक्शनरी में चेंज करोगे, किसी भी कॉपी में चेंज करोगे, वो दूसरी कॉपी में शो करेगा, फाइन। जैसे हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमने डिक्शनरी स्टूड वन, वन रोहन, टू राम, थ्री नेहा एंड दिस, ओके। अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया स्टूड टू इक्वल टू स्टूड वन कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, स्टूड टू को क्या बना दिया है, इसकी कॉपी बना दी है, ओके। बट दिस इज नॉट अ रियल कॉपी। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, ये जो डिक्शनरी है उसको दो नाम मिल गए, स्टूड वन एंड स्टूड टू, फाइन। अब देखो, आप स्टूड वन लेते हो तो आपका वन रोहन आ गया है, स्टूड टू वो भी आ गया है, तो ये सिंपल क्या है, यहाँ पे दो नाम हो गए हैं जो आपकी सेम डिक्शनरी को रेफर कर रहे हैं, फाइन। अब अगर आप किसी भी डिक्शनरी में चेंज करते हो, दूसरी डिक्शनरी में शो होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये रियल कॉपीज नहीं है, दीज आर ओनली द लेबल्स, दीज आर ओनली द नेम्स, ओके, विच आर रेफरिंग टू द सेम डिक्शनरी, फाइन। अब वही एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने स्टूड टू बनाया स्टूड वन से, आपने स्टूड वन को शो कर दिया, ये आपका स्टूड वन आ गया, स्टूड टू आ गया, दे आर सेम। अब आपने क्या किया, स्टूड टू जो आपका बना है उसमें आपने ऐड किया फाइव की और उसकी वैल्यू अर्ना, ओके। नाउ अगर अब आपने स्टूड वन को प्रिंट कराया तो देखो यहाँ पे आ गया फाइव अर्नव, और स्टूड टू को प्रिंट कराया तो यहाँ पे आ गया फाइव अर्नव। अब दोनों में वो चेंज रिफ्लेक्ट हुआ है, शो हुआ है, क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डिक्शनरी को रेफर कर रहे हैं, फाइन। एज वी कैन सी अबव दैट एनी आइटम एडिड थ्रू स्टूड टू इज रिफ्लेक्टेड इन स्टूड वन ऑल्सो, एज स्टूड वन एंड स्टूड टू आर नॉट टू कॉपीज ऑफ द सेम डिक्शनरी, रेदर दीज आर जस्ट टू नेम्स, जस्ट लाइक एलियासिस रेफरिंग टू द सेम डिक्शनरी, दे शेयर द कीज एज वेल एज द वैल्यूज बोथ। तो यहाँ पे क्या है, ये जब आप इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज इक्वल टू का यूज करते हो तो क्या होता है, ट्रू कॉपीज नहीं बनती है, सिर्फ क्या बनते हैं, दो नाम बनते हैं जो सेम डिक्शनरी को रेफर करते हैं, तो आप किसी भी नेम में कोई भी चेंज करोगे तो वो दूसरे नेम में रिफ्लेक्ट करेगा, फाइन। नेक्स्ट वी हैव पॉप फंक्शन। द पॉप मेथड रिमूव एंड रिटर्न्स द डिक्शनरी एलिमेंट एसोसिएटेड टू द पास्ट की। अभी क्या कह रहे हैं, पॉप फंक्शन क्या करता है, रिमूव कर देता है और रिटर्न करता है डिक्शनरी एलिमेंट को, ठीक है, जो किससे एसोसिएटेड होता है, जो इस फंक्शन के अंदर आप की को पास करते हो। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास क्या है, इसका सिंटेक्स है डिक्शनरी नेम, डिक्शनरी का नाम, डॉट पॉप की। अब जो भी की आपने इसके अंदर पास की है, फाइन, जो भी की आपने पास की है उससे एसोसिएटेड जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी डिक्शनरी में से और वो आपको मिल जाएगी, फाइन, ओके, समझ आ रहा है। तो पॉप क्या करता है, जो भी आप की पास कर रहे हो पॉप फंक्शन के अंदर, जो भी आप की पास कर रहे हो उस की से एसोसिएटेड जो भी वैल्यू होती है वो डिक्शनरी से डिलीट हो जाती है, रिमूव हो जाती है और वो आपको मिल जाती है, फाइन, यू ऑल्सो गेट इट, फाइन, ओके। अब यहाँ पे हमने एक पैरामीटर और पास किया है वैल्यू,
इसका क्या यूज है? वैल्यू इज द रिटर्न वैल्यू मैसेज विच विल बी रिटर्न बाय द मेथड इफ द गिवन की इज नॉट फाउंड इन द डिक्शनरी. फाइन, अभी क्या कह रहा है, वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, दे दिया है, एंड वैल्यू इज ऑप्शनल, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हैं. वैल्यू क्या करता है, अगर आपकी की डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, मान लो एक आपने ऐसी की को पास कर दिया जो डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं, तो वैल्यू क्या करेगा, वैल्यू में आप क्या देते हो, मैसेज देते हो जो आपका पास हो जाएगा. ओके, अगर की प्रेजेंट नहीं है तो वो पर्टिकुलर मैसेज पास हो जाएगा. और अगर क्या करते हो, की आपने ऐसी पास की है जो डिक्शनरी में नहीं है और वैल्यू को भी नहीं दिया है, तो क्या होगा, इफ स्किप द वैल्यू एंड द गिवन की इज नॉट फाउंड, पाइथन विल रेज एरर. फाइन, पाइथन एरर शो करेगा. ओके, अंडरस्टूड. अब यहाँ पे की क्या है, जो की आपने पास की है, द की इज द की टू बी डिलीटेड. ओके, इफ द की इज फाउंड इट इज डिलीटेड एंड इट्स वैल्यू इज रिटर्न. फाइन, क्या करेगा, जो भी आपने की पास की है वो डिलीट हो जाएगी और उससे एसोसिएटेड वैल्यू आप रिटर्न हो जाएगी. फाइन, तो एक पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर पूरा ही डिक्शनरी से डिलीट हो जाता है जो भी आपने यहाँ पे की पास करी है. फाइन, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. या आपने यहाँ पे लिया एक डिक्शनरी को, स्टूड वन वन रोहन, टू राम, थ्री नेहा, एंड फोर दिस. ओके, स्टूड वन डॉट पॉप थ्री. अब आपने क्या किया, थ्री जो आपकी की है वो इसको पास कर दिया. फाइन, तो क्या होगा, इट विल डिलीट द की थ्री फ्रॉम द डिक्शनरी एंड इट्स वैल्यू इज रिटर्न. अब ये थ्री को डिलीट कर देगा और इसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, दैट इज नेहा. फाइन, नाउ अब आप इसको देखो, जब आपने स्टूड वन को यहाँ पे देखा, राइट, हमने इसको प्रिंट कराया, तो क्या है, हमने पॉप के अंदर थ्री को पास किया था, तो यहाँ पे थ्री की वैल्यू पेयर डिलीट हो चुका है, मतलब थ्री की डिलीट होगी, उसकी वैल्यू हमें नेहा यहाँ पे मिल गई है. फाइन, इट रिटर्न द वैल्यू नेहा. ओके, एंड नाउ वी हैव वन रोहन, टू राम, एंड फोर एन. ओके, तो इसकी पॉप फंक्शन में क्या होता है, जो भी आप की पास कर रहे हो वो की डिलीट हो जाती है और उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाती है. फाइन, ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे हमने लिया स्टूड वन. ओके, डिक्शनरी, दिस इज आर डिक्शनरी. अब नाउ सी, स्टूड वन डॉट पॉप. ओके, एंड पॉप फंक्शन में हमने किसको पास किया, फाइव को. अब यहाँ पे फाइव की प्रेजेंट नहीं है. ओके, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू को पास कर दिया, मैसेज को पास कर दिया, की नॉट देयर. ओके, तो अब इस जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो क्या रिटर्न हुआ, की नॉट देयर. अगर की होती तो वो की डिलीट हो जाती और उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाती. फाइन, अब की नहीं है तो क्या हुआ, मैसेज जो भी आपने दिया है वो रिटर्न हो गया. राइट, इफ द गिवन की इज नॉट फाउंड इन द डिक्शनरी देन द वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास्ड अलोंग विद द की इज रिटर्न एज वी कैन सी इट रिटर्न की नॉट देयर इन द फर्स्ट स्टेटमेंट. राइट, तो समझ आ गया आपको कि अगर यहाँ पे की जो आपने पास की है वो प्रेजेंट है तो वो पर्टिकुलर की डिलीट हो जाएगी, उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी. फाइन, और अगर वो की प्रेजेंट नहीं है तो व्हाट विल हैपन, जो भी आपने इसके साथ वैल्यू दी है, ओके, जो भी मैसेज दिया है वो रिटर्न हो जाएगा. ओके, फाइन, नाउ वी हैव द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है कि अगर आप जो की पास कर रहे हो वो प्रेजेंट नहीं है आपके डिक्शनरी में और आपने वैल्यू आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिया है, मतलब कोई मैसेज भी प्रिंट नहीं कराया है, तो क्या होगा, आपकी की एरर आ जाएगी, मतलब आप इट विल शो द एरर. ओके, इफ यू डू नॉट पास एनी वैल्यू आर्ग्यूमेंट एंड इफ द की इज नॉट फाउंड, पाइथन रेजेस की एरर बिकॉज देयर इज नो की एज फाइव इन द स्टूड वन डिक्शनरी. फाइन, ओके, अब देखो, जब आपने यहाँ पे जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था की फाइव को पास किया था और आपने मैसेज पास कर दिया था की नॉट देयर, मीन्स वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास की थी की नॉट देयर, तो आपका सिंपली की नॉट देयर आ गया था. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखो, आपने की पास की है बट वैल्यू आर्ग्यूमेंट नहीं दी है. ओके, वैल्यू आर्ग्यूमेंट नहीं दी है तो क्या होगा, पाइथन विल शो द एरर. ओके, और जो एरर क्या है, की एरर. की एरर मतलब फाइव जो आपने की पास किए वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. फाइन, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज पॉप आइटम फंक्शन. द पॉप आइटम मेथड रिमूव्स एंड रिटर्न्स की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी. ओके, तो इससे पहले हमने क्या किया था, पॉप फंक्शन किया था. पॉप फंक्शन में क्या होता था, आपकी की डिलीट हो जाती थी और उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाती थी. ओके, पॉप आइटम मेथड क्या करेगा, रिमूव कर देगा और रिटर्न कर देगा दोनों को, की को भी और वैल्यू को भी.
पॉइंट, इसके अंदर दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, मतलब की भी मिल जाएगी और उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। और किस फॉर्म में मिलेगी? टपल की फॉर्म में। टपल आप जानते हो क्या होता है, जहां पे हम सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को एनक्लोज करते हैं। फाइन, इट रिटर्न्स द आइटम विच वॉज द लास्ट आइटम एंटर्ड इन द डिक्शनरी। अब इसकी कंडीशन क्या है, जब आप पॉप आइटम फंक्शन यूज करते हो तो जो भी डिक्शनरी है उसका लास्ट आइटम डिलीट होगा। फाइन, दैट इज इफ वी यूज द पॉप आइटम मेथड इन अ लूप, द आइटम विल बी रिमूव फ्रॉम द डिक्शनरी दैट इन द लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। ओके, आई टोल्ड यू, जब आप पॉप आइटम का यूज कर रहे हो, डिक्शनरी का लास्ट एलिमेंट रिमूव होगा, मतलब जो लास्ट है, ये कैसे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, लास्ट जो आपने एलिमेंट डाला है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। ओके, इट रिटर्न्स द डिलीटेड की वैल्यू पेयर इन द फॉर्म ऑफ टपल दैट आई हैव टोल्ड यू, कि जो भी आपका डिलीट होगा की वैल्यू पेयर वो किस फॉर्म में आपको मिलेगा, टपल की फॉर्म में आपको मिलेगा। इफ द डिक्शनरी इज एम्प्टी कॉलिंग पॉप आइटम रेजेस की एरर। अगर डिक्शनरी एम्प्टी है और आप पॉप आइटम फंक्शन का यूज कर रहे हो तो इट विल शो यू द एरर, राइट? अगर डिक्शनरी में एक भी आइटम नहीं है तो वो आपको एरर शो करेगा। ओके, ओके, अब इसका सिंटेक्स क्या है, डिक्शनरी नेम डॉट पॉप आइटम। ओके, डिक्शनरी का नाम एंड डॉट पॉप आइटम। डिक्शनरी नेम इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी फ्रॉम वेयर द लास्ट एंटर्ड आइटम इज टू बी डिलीटेड। मैंने आपको बताया था, जब आप पॉप आइटम का यूज करते हो तो डिक्शनरी का लास्ट एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, की वैल्यू फॉर्म जो की वैल्यू जो उसका एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, और जो जो भी डिलीटेड की वैल्यू पेयर है वो आपको टपल की फॉर्म में मिल जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे आपने स्टूड वन डिक्शनरी ली है। ओके, यहाँ पे देखो, एन वन रोहन, टू राम, थ्री नेहा, एन फोर एनी। ओके, आपने क्या क्या स्टूड वन डॉट पॉप आइटम फंक्शन का यूज किया, तो क्या होगा, आपका जो लास्ट की वैल्यू पेयर है वो रिटर्न हो गया इन द फॉर्म ऑफ टपल। यू कैन सी द पॉप आइटम रिमूव द लास्ट एलिमेंट पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी एंड रिटर्न इट इन द फॉर्म ऑफ टपल, राइट? एक बार फिर यूज करते हैं स्टूड वन डॉट पॉप आइटम, तो आपका जो नेक्स्ट है ये है, अब ये तो आपका डिलीट हो चुका है। फाइन, तो अब आपका लास्ट क्या हुआ, आपका ये वाला लास्ट हुआ, तो आपका ये टपल फॉर्म में आ गया आपके पास, थ्री नेहा। फाइन, अब आप डिक्शनरी को जब प्रिंट कराते हो तो देखो आपके पास अब ओनली टू की वैल्यू पेयर्स बचे हैं। ओके, रेस्ट थे जो वो आपने पॉप आइटम की हेल्प से डिलीट कर दिए। फाइन, तो पॉप जब फंक्शन आपने यूज किया था, पॉप में क्या होता था, आपकी की डिलीट हो जाती थी, उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाती थी। पॉप आइटम में क्या होता है, की और वैल्यू दोनों डिलीट हो जाते हैं और टपल फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। फाइन, ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ डिक्शनरी।